नमस्कार बंधु महाचार्य, में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर एक आदेश जारी किया गया है DPI की ओर से। तो सुनील से परिहार जी ने बोला है कि अतिथि शिक्षक चिंता नहीं करें, मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से इस आदेश के संबंध में बात की जाएगी और अतिथि शिक्षकों को रेगुलर रखा जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। तो मैं पूरे विस्तार से जानकारी देने वालों को आदेश क्या है, वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसमें अपडेट पाने के लिए। आज की डेट में आदेश जारी किया गया है, DPI की ओर से आदेश जारी किया गया है। ठीक है, प्रति जो भेजी गई है समस्त कलेक्टरों को भेजी गई मध्य प्रदेश के। इसमें बोला गया अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्वाचन कार्य हेतु न लिए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवा स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षण सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई थी। उपयुक्त तिथि के पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान कराने का प्रावधान नहीं है, अतः निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाए और यदि उपरांत कारणों से ऐसे किया जाना आवश्यक हो तो कृपया उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगाई जाएगी। आयुक्त है, अनुमोदन है, संजय कुमार है, DS कुशवाहा संचालक है, नए आदेश जारी किया गया। सुनील सिंह परिहार जी ने बोला है कि साथियों नमस्कार, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने सत्र जारी रखने हुए निर्वाचन को ड्यूटी लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्कूल शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे। किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी करवाएंगे। सुनील सिंह परिहार ने बोला है कि शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करके अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी करवाएंगे ताकि अतिथि शिक्षकों को किसी भी कंडीशन में बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि DPI के से जो आदेश जारी किया गया है उसमें अतिथि शिक्षक खासे चिंतित हैं। तो ये बात की जाएगी DPI में और मुख्यमंत्री से और शिक्षा